Good morning, student. Good afternoon, student. आज मैं आपको शिक्षक के बारे में बताता हूँ। देखिए, शिक्षक क्या है सबसे पहले समझते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में एक शिक्षक एकीकृत सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक सेट होता है, जिसे डेटा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? डेटा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोसेसर, मेमोरी और स्टैंडर्ड डिवाइस के बीच में डेटा प्रवाह, जो डेटा फ्लो है, उसका क्या करता है? मैनेज करता है। स्टैंडर्ड डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, समथिंग जो भी है, इसको क्या करेगा? इसके जो डेटा प्रवाह, जो डेटा हमारा इधर उधर फ्लो होगा, उसको मैनेज करने का काम कौन करेगा? शिक्षक करता है। कौन करता है? शिक्षक करता है। क्लियर है? यह आमतौर पर कहां मिलेगा आपको? कहां यूज होता है? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में मिलेगा, जैसे कि आपको बताया मैंने, अब इसको हम कह सकते हैं चिपसेट इंटीग्रेटेड सर्किट का एक समूह है। इसको दूसरी परिभाषा, दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं? चिपसेट इंटीग्रेटेड सर्किट का एक ग्रुप है जो एक साथ काम करता है। यह एक सिंगल कंपोनेंट के डिजाइन को संदर्भित कर सकता है, या एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर अंदर कई कंपोनेंट होते हैं, ठीक है? तो वो जो कई कंपोनेंट हैं, उनके संबंध का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए वीडियो कार्ड का, चिपसेट कार्ड के डिजाइन का वर्णन करता है, जबकि एक मदरबोर्ड चिपसेट उसके लेआउट और उसके द्वारा सपोर्टेड विभिन्न कंपोनेंट का वर्णन करता है। चिपसेट डिजाइनों को चित्रित करने के लिए अक्सर हम लोग किसका यूज करते हैं? डायग्राम का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये डायग्राम किसका प्रयोग करते हैं? डायग्राम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो कार्ड चिपसेट के लिए डायग्राम में सीपीयू, जीपीयू, वीडियो रैम, पीसीआई बस हो सकती है। इसमें लाइनों और एरो को भी हम लोग इसमें शामिल करते हैं, जो घटक बीच के सर्किट को बताते हैं, साथ में घटकों को सर्किट जो है चिपसेट के समग्र डिजाइन को बनाते हैं, और इसे वीडियो कार्ड का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। आगे मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाऊंगा। मदरबोर्ड आर्किटेक्चर में सीपीयू, रैम, वीडियो कार्ड, इनपुट आउटपुट पोर्ट जैसे घटक शामिल हो सकते हैं। एक डिटेल डायग्राम में कम घटकों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज और फ्रस्टाइल ब्रिज। यह डिटेल डायग्राम में देखिए, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज आपको इसमें शामिल किया गया है। अधिकांशता है आंतरिक कंप्यूटर कंपोनेंट एक विशेष चिपसेट के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए यदि आप किसी भी इंटरनल हार्डवेयर को अपग्रेड करने का निर्णय लेते हैं, तो हमको यह जानना जरूरी होता है, या आपको जानना जरूरी होता है कि आपका मदरबोर्ड, आपका कंप्यूटर किस प्रकार के चिपसेट का उपयोग कर रहा है। यदि हमको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, तो हमारे जो मदरबोर्ड में जो सिस्टम है उसमें चिपसेट लगा हो, उसको किस प्रकार को, जो आप सिस्टम चिपसेट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। कई मामलों में कंप्यूटर का शिक्षक मदरबोर्ड के शिक्षक का अपोजिट होता है। एक बार जब हमको पता चल जाता है कि हमारा मदरबोर्ड किस शिक्षक का उपयोग कर रहा है,
तो हम निर्धारित कर सकते हैं कि मशीन में कौन से कंपोर्ट कंपोनेंट संगत है उसके। क्लियर। अब देखिए, एक चिपसेट, हमने बताया इंट्री डिपेंडेंट मदरबोर्ड चिप या एकीकृत सर्किट का समूह है जो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में डेटा के डेटा के जो डेटा और निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उनको डेटा फ्लो को क्या करता है, नियंत्रित करता है। एक चिपसेट बाहरी बसों मेमोरी कैश कुछ बाह्य उपकरण को नियंत्रित करता है। एक सीपीयू एररलेस चिपसेट समय के बिना कार्य करने में असमर्थ है। एक जो सीपीयू है एररलेस चिपसेट समय के बिना कार्य करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। एक चिपसेट में सर्किट बोर्ड लेआउट, कार्य क्षमता, सर्किट तंत्र शामिल होते हैं। किस्मों में माइक्रो प्रोसेसर और मॉडर्न कार्ड चिपसेट शामिल हैं। इसके अलावा सीपीयू के कई कई अलग चिपसेट होते हैं जो आर्किटेक्चर के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, सबकी बनावट अलग अलग होती है। अब चिपसेट का इतिहास हम लोग समझते हैं। एक चिपसेट का इंटरडिपेंडेंट सर्किट जो पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक सेट है जो सीपीयू रैम स्टोरेज, जो आपको बताया मैंने। पहला चिपसेट 82C206 1986 में चिप एंड टेक्नोलॉजी द्वारा पेश किया गया था। चिप्स एंड टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया गया था, पेश किया गया था। समय समय पर इसमें मॉडिफिकेशन होता रहा। इसमें ड्यूल 32 32 37 GB कंट्रोलर, MC 14 18 क्लॉक शामिल किए गए। फिर इसमें 82C836 स्कैट सिंगल चिप 80 चिपसेट में बदल दिया गया, जिसमें सेट के सभी चिप्स को एक साथ इसमें जोड़ दिया गया। अब चिपसेट ड्राइवर, मैं आपको बता दूं कि इसको मैं आपको समझाता हूं, जो मैं स्लाइड है इसको। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम जो रीइंस्टॉल करने के बाद सभी कंपोनेंट को ठीक से काम करने के लिए हम मदरबोर्ड चिपसेट ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हम सिस्टम को रीइंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो मदरबोर्ड के जो ड्राइवर जो चिपसेट के ड्राइवर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रीइंस्टॉल करते हैं। ये ड्राइवर हमको मदरबोर्ड की जो सीडी होती है उसमें मिल जाते हैं, या जो कंप्यूटर के निर्माता है, मैन्युफैक्चरर है, उससे भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेट से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अब चिपसेट और प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। चिपसेट और प्रोसेसर, सीधे शब्दों में कहें तो हम लोग कंप्यूटर में सीपीयू मुख्य प्रोसेसर है, क्लियर है, जो सभी गणना करता है। जबकि चिपसेट वह बिट्स है जो सीपीयू को कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को क्या करता है, जोड़ता है। जो आपका सीपीयू है मुख्य प्रोसेसर आपका हुआ, और जो चिपसेट है वो जो बिट्स है जो सीपीयू के कंप्यूटर के बाकी हिस्सों क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। चिपसेट भी थोड़ा सा है जो ये तय कर सकता है कि मदरबोर्ड किस सीपीयू को सपोर्ट कर सकता है। सीपीयू जो है ये तय करता है कि कौन सा मदरबोर्ड किस सीपीयू को सपोर्ट करता है। क्या चिपसेट और मदरबोर्ड एक जैसा होता है, सोचने की बात है। क्या सीपीयू चिपसेट है या मदरबोर्ड चिपसेट है। चिपसेट आमतौर पर घटकों को एक विशेष सेट को क्या करता है, संदर्भित करता है, बताता है, जो सीधे मदरबोर्ड से इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे नॉर्थ बीच आमतौर पर पोर्ट सिस्टम इंटरफेस मेमोरी सीपीयू के लिए जिम्मेदार होता है, जो नॉर्थ ब्रिज है।
जबकि जो साउथ ब्रिज है अन्य कई कंपोनेंट्स जैसे पीसीआई कार्ड यूएसबी डिवाइस के बीच कनेक्शन का मैनेजमेंट करता है। क्लियर है? चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया चिपसेट क्या है, अब मैं आपको स्लाइड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैंने आपको ओरली से बताया चिपसेट होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या मदरबोर्ड रैम, क्या मदरबोर्ड और चिपसेट एक है या प्रोसेसर चिपसेट एक है, इसको मैंने आपको समझाया। मदरबोर्ड कंसिस्ट टू कंट्रोल चिप बेस्ड ऑन प्रोसेसर चिप, एग्जांपल इंक्रिप्टेड कंट्रोलर, डीएमए कंट्रोलर, टाइमर चिप। क्लॉक चिप, बस कंट्रोलर चिप, इनपुट आउटपुट इंटरफेस चिप, पीटीसी, वीएलसी चिप का फंक्शन। चिपसेट आपको जैसे बताया, चिपसेट इज अ ग्रुप ऑफ आईसी दैट आर डिजाइन टू वर्क टुगेदर एंड आर यूजली मार्क्ड एज अ सिंगल प्रोडक्ट। क्लियर है? इट प्रिफरेंस टू पेयर चिप ऑन द मदरबोर्ड नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। आर चिपसेट कंट्रोल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। Thus play an important role in the determining system performance. Clear? प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? चिपसेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चिपसेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम मैंने बताया, आपको देखिए नॉर्थ ब्रिज लिंक सीपीयू टू वेरी हाई स्पीड डिवाइस स्पेशली मेन मेमोरी एंड ग्राफिक्स कंट्रोलर। साउथ ब्रिज कनेक्ट टू द लो स्पीड पेरिफेरल बसेस पीसीआई और आईएसए। द साउथ ब्रिज एक्चुअली मेंटेन सम ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड पेरिफेरल सच एज इथरनेट यूएसबी ऑडियो डिवाइस। मैन्युफैक्चरर्स जो आपको चिपसेट बनाती हैं NVIDIA, IMD, VIA टेक्नोलॉजी ऐसा इंटेल, हम लोग अधिकतर इंटेल का यूज करते हैं। ब्रॉडकॉम नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज आर्किटेक्चर जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये देखिए चिपसेट है, सीपीयू, क्लॉक जनरेटर, मेमोरी स्लॉट, पीसीआई बस साउथ ब्रिज के साथ इंबिल्ट है, सुपर इनपुट डिवाइस, केबल बायो, पीसीआई बस। फंक्शन ऑफ नॉर्थ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज इज ऑल्सो कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर। नॉर्थ ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं? MCH, मेमोरी कंट्रोलर हब इन इंटेल सिस्टम। इट इज वन ऑफ द टू चिप्स इन द बोर्ड ब्लॉक चिपसेट ऑन द पीसी मदरबोर्ड। देयर आर इंटरफेस, देयर आर टू चिप्स आर कंबाइंडेड इनटू अ सिंगल डाई। ओके, इट हैंडल कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड रैम, एजीपी और पीसीआई एक्सप्रेस ऑन द साउथ ब्रिज। ये कम्युनिकेशन किसके लिए होता है? सीपीयू रैम एजी और जो साउथ ब्रिज है उसको जो हैंडल करने का काम करता है, क्या कम्युनिकेशन को हैंडल करने का काम करता है। सम नॉर्थ ब्रिज ऑल्सो हैव इंटीग्रेटेड विद वीडियो कंट्रोलर कॉल्ड ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर GMSCS। डिफरेंट प्रोसेसर एंड रैम रिक्वायर डिफरेंट सिग्नल। नॉर्थ ब्रिज विल वर्क वन और टू टाइप ऑफ सिंगुलरली टाइप ऑफ रैम। ओके, द नॉर्थ ब्रिज प्रोवाइड द नंबर ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ सिंपल साइज, टाइप ऑफ रैम एंड दैट वी यूज। द नॉर्थ ब्रिज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसाइडेड हाउ फेयर अ कंप्यूटर कैन बी ओवरक्लॉक्ड। साउथ ब्रिज, साउथ ब्रिज इज ऑल्सो नोन ICCS means input controller hub। नॉर्थ ब्रिज क्या था? मेमोरी कंट्रोलर हब था, MCH था, ये ICH input output controller hub, इसको हम लोग बोलते हैं। इट इज चिप दैट इंप्लीमेंट द सॉल्वर कैपेबिलिटी ऑफ द मदरबोर्ड ऑन द नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज चिप कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द सीपीयू, ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखिए ये मदरबोर्ड है, ये आपके चिप लगे हुए हैं नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज। देखिए
A particle type of shot which may work with different Northwick chipsets. A interface between the Northwick and the Southwick are the PCI. अब साउथविक से हम लोग काम देख लेते हैं, क्या साउथविक वर्क करता है। द मैन्युफैक्चरर फाउंड द कंपनी साउथविक इज गुड पीसीआई बस में वर्क करता है, एच ए ए आई आई एस ए बस और पीसीआई ब्रिज कम करता है, पी एस पी आई बस करेक्ट होती है, एस एम बस द एस एम बस यूज कम्युनिकेशन विद द डिवाइस मदरबोर्ड, ये सब बसेस हैं आपकी जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन बनाने का साउथ ब्रिज इसमें वर्क करता है। आई एस ए पर जो पी एस सी ब्रिज होता है, आई एल पी सी ब्रिज को प्रोवाइड द डेटा कंट्रोल पाथ एट द सुपर इनपुट आउटपुट नॉर्मल अटैच द कीबोर्ड माउस पैरेलल पोर्ट सीरियल पोर्ट आई एल पोर्ट एंड फ्लॉपी कंट्रोलर एंड फायरवर्क हब स्विच प्रोवाइड एक्सेस टू बायोस फ्लैश स्टोरेज, इसमें साउथ ब्रिज आपको काफी भूमिका निभाता है। एस टी आई बस एस टी आई बस इज सिंपली सीरियल बस मोस्टली यूज टू फर्स्टवेयर दैट एग्जाम्पल बायोस बायोस के बारे में आपको बताऊंगा मैं अगली क्लास में। डीएमए कंट्रोलर द डीएमए कंट्रोलर अलाउज आई एस ए और एल पी सी डिवाइसेज डायरेक्टली एक्सेस टू द मेन मेमोरी विदाउट नीडिंग हेल्प फ्रॉम द सीपीयू। इंटरप्ट कंट्रोलर द इंटरप्ट कंट्रोलर प्रोवाइडेड द मैकेनिज्म फॉर अटैच डिवाइसेज टू द अटेंशन फ्रॉम द सीपीयू। आई डी मतलब जो आपकी हार्ड डिस्क हुई, दो प्रकार की हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं, आटा साटा या पाटा यूज करते हैं। आई डी जिसको क्या बोलते हैं हार्ड डिस्क। द आई डी इंटरफेस अलाउ टू डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द सिस्टम हार्ड ड्राइव। ओके रियल टाइम क्लॉक द रियल टाइम क्लॉक प्रोवाइडेड द रिसीविंग टाइम अकाउंट पावर मैनेजमेंट एपीएम और ए सी पी आई। द ए पी एम और ए सी पी आई फंक्शन प्रोवाइडेड बाई मेथड ऑफ सिग्नलिंग टू अलाउ द कंप्यूटर टू स्लीप पावर कट डाउन द स्लीप पावर। क्लियर है। नॉट मोर दैट बायोस मेमोरी द सिस्टम सीमोस असिस्टेड बाय द बैटरी सप्लीमेंट्री पावर क्रिएटेड टू लिमिटेड नॉन वोलेटाइल स्टोरेज एरिया ऑफ द सिस्टम कंप्यूटर। ये देखिए इंटेल 915 चिपसेट का आर्किटेक्चर है, बनावट है इंटेल पेंटियम T4 जो पहले यूज करते थे। ये नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट या पशु इस प्रकार की आपके कैसे आपके लिए शो हो रहा है। ये 915 ये आपका 945 चिपसेट आर्किटेक्चर। देखिए स्पीड में कितना अंतर है, 6.4 जी बी पर सेकेंड 2.8.5। ये हमारे दो दो प्रकार के चिपसेट का आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया, इंटेल 945 और इंटेल 915। आपकी रैम जुड़ी हुई है, आपको बताया रैम नॉर्थ ब्रिज के साथ जुड़ा था, या आपका साउथ ब्रिज है जिसमें बायोस पीछे से इंटेल एचडी आईडियो कार्ड ग्राफिक यूएसबी इसमें जुड़ा रहता है, हार्ड डिस्क से जुड़ी हुई है, इसके माध्यम से साउथ ब्रिज में जुड़ा होता है। आज हमने आपको चिपसेट के बारे में बताया, पूरा डायग्राम आर्किटेक्चर इसको दिखाया, अगली क्लास में आपको बायोस के बारे में पूरा बताऊंगा।